अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए, हमारा ब्लॉग से स्टार्ट हो गया है। तो मैं अभी शाम के टाइम अफ्तार का तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए हमारे साथ ब्लॉग्स में आप लोग एंड तक बने रहना। और आइए मैं क्या करती हूँ दिखाती हूँ आप सबसे। फ्रेंड, मैं ये मेथी तोड़ रही हूँ, देख सकते हैं मेथी का गड्ढी था तो मैं साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा सब्जी, एक मैं सब्जी बना ली हूँ। और यहाँ पे आलू के कतली थोड़ी थोड़ी उसे मतलब बाफ दी हूँ, क्योंकि वो पकौड़ी बनाओ तो जल्दी बन जाता है। साफ़ कर रही हूँ अभी मेथी, देख सकते हैं। और पकौड़ी के लिए आलू काट के उसे थोड़ा सा बफार लगा दी हूँ कि पकौड़ी बनाने में आसान रहता है, वो ऐसे जल्दी पक जाता है, ज़्यादा देर उसे पकाना नहीं पड़ता है। तो चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग्स में, बाकी मैं साग को साफ करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो देख सकते हैं आलू मेथी मैंने काट लिए, और इसमें शोरबे के गोश्त है, इसमें आप लोगों से दिखा दो। तो देख सकते हैं मैं दो तरह की सब्जियां बना रही हूँ, एक सूखी सब्जी साग का, एक गोश्त है। और बाकी का और क्या क्या करती हूँ आप सबसे दिखाती रहूँगी। तो फ्रेंड, मैंने चावल बनने रख दी हूँ, और यहाँ पे साग धो के ला के रख दी हूँ। और ये प्याज काट रही हूँ, लहसुन अदरक ये पकौड़े के लिए। बस टाइम 5:30 हो गया है और मुझे सब कुछ अभी बनाने को बाकी है, जल्दी जल्दी मैं लगी हुई हूँ। नमाज पढ़ने के बाद में मैंने खाना बनाना स्टार्ट करी। गिलास है, इसमें लहसुन अदरक को बारीक बारीक काटूंगी और उसमें डाल के कोट दूंगी। जल्दी जल्दी मुझे फ्रेंड, ये है गिलास, ये है बेलन, इसको ना कोट है। मेरे हस्बैंड चिढ़ा भी रहे हैं, ये एक एक चीज़ें बता रही सब। सारे तैयारी कर रही हूँ जब तक इधर चावल में उबाल आ गया। और चला के बस बाकी की ये बेसन है, बेसन में सारी चीज़ डाल दी हूँ, बस इसको अब गाढ़ा बैटर बनाना है पकौड़े के लिए। तो चलिए इसको बनाते हैं बैटर। तो देख सकते हैं ये हो गया बैटर तैयार, और मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और अभी इसमें चल रही हूँ अब तलने पकौड़ी। फ्रेंड, मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं है, ये नहीं बना पाते हैं वीडियो, तो मुझे बस काम कर करके फिर दिखाना होता है, इसीलिए मैं करते हुए नहीं दिखा पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी गाइस। तो चलिए अब बनाते हैं पकौड़ी। देख सकते हैं कचरी तल ली हूँ, और बाकी का यहाँ पे पकौड़े डाल दी हूँ, पकौड़े बन गया देख सकते हैं। बड़ा सा कढ़ाई है, और किराया घर में कौन 50 लेते रहे छोटा बड़ा, तो घर में है जो छोटा है, यहाँ पे बड़े वाला कढ़ाई है। मेरा पकौड़ी भी बन गया देख सकते हैं, और ये सब्जी भी मैंने बघार दी हूँ, बस सब्जी बन जाएगा तो फाइनली सारा खाना बन गया मेरा।
और हस्बैंड को देखिए क्या कर रहा है, आराम से मस्ती से लेटे हुए हैं। और बेटी यहाँ पे जब तक ये अफ्तारी से पहले अंगूर और कचरी लेके बैठ के खा रही। बेटी बाय कर, चुम्मी दे दो एक और रख रही जी जी खिलाएगी फ्रेंड को, सब यूट्यूब फैमिली को खिला दे। आप लोग जी जी खा लीजिए, उसको टॉफी दे रही। एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जो लोग नहीं बनाया होगा उन लोगों के लिए नया होगा। ये पानी है, ठंडा पानी मतलब होगा फ्रिज का, चाहे नॉर्मल पानी, उसमें ये चीनी डाल दो। इसमें इलायची कूट के डाली हो, इलायची है चीनी है। अब ये कद्दूकस में कर रही हूँ, ये इससे गोला इसके कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे। अब बाकी के मैं दिखाती हूँ आप लोगों के। ये हो रहा दूध गरम, दूध को पानी में डाल दिया जाएगा, उसके बाद में उसे मतलब अच्छे तरीके से घोल के चीनी को, तो हो जाता है शरबत, तो शरबत अच्छा लगता है, तो बहुत इजीली बन जाता है और टेस्ट भी उसका सही लगता है। तो जिसको दिल करे अगर बना के ऐसे पीने को तो बना के पी सकते हैं आप लोग, सकते हैं फ्रेंड। इसमें मैंने गोला कस के डाल दी तो गाढ़ा गाढ़ा हो गया, और दूध भी मैंने ठंडा ही दूध डालना चाहिए, मैं गर्म करने के लिए रख दी थी तो मैंने तुरंत उतार ली थी उसमें से। और ये छोटा सा भगोना है तो इसमें मैं चम्मच से चीनी को मिक्स कर रही हूँ, और इलायची डाल देने से इसमें खुशबू आता है, और गोला कस के डाल दो तो चीनी मीठा करके बनाओ तो अच्छा लगता है। तो मेरा सब्जी रेडी हो रहा, रेडी हो ही चुका है। तो ये आलू मेथी मुझे बहुत मेरा फेवरेट है, आप लोग कमेंट में बताइएगा किन किन का फेवरेट है। दूध भी गर्म हो चुका है, गैस को करते हैं ऑफ। सो फ्रेंड यही है हमारे अफ्तारी, ज़्यादा कुछ नहीं बस इतना ही। और अब मैं वीडियो को अभी रोकती हूँ, अफ्तारी के बाद आप लोगों से मिलते हैं।